जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस भर्ती 2024 की, जिसके अंदर आरएसी और आरआईए से भर्ती आने वाली है। उसके अंदर कुछ योग्यता को चेंज कर दिया गया है और उसके अंदर योग्यता में बड़ा अपडेट आप सभी को देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इस न्यूज़ को आपने पहले भी एक बार डिस्कशन किया था, उसके अनुसार मैंने भी आपको इस जानकारी को दिया था, लेकिन एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा। और उसके साथ साथ मैं आपको सिलेबस बदलाव क्या है वो भी इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। इसके अलावा भर्ती के अंदर जो आपका भर्ती कब तक आ सकती है वो भी बात इसके अंदर करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा पुलिस का जो आपका डिटेलली सिलेबस रहेगा वो इसके अंदर संपूर्ण ज्ञान दे दूंगा मैं आपको ए टू जेड, ताकि आप इसके अंदर पढ़ते हैं तो किस टाइप से आप तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन दायरा जो ज्यादा बढ़ जाए, आराम से आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। इसके अंदर किस टाइप से आपको तैयारी करना है और सिलेबस के अंदर क्या बदला हुआ है, वो सारी तमाम बातें आपको इस सेशन के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं, टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाते हैं। जैसे ये नोटिस आया हमने आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी जो भी जानकारी स्टूडेंट के हित में होती है वो हम सबसे पहले सबसे सटीक आपको जानकारी देने का काम करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे उपलब्ध हमने करवा दिया था। आप देख सकते हैं 9 अप्रैल का ये नोटिस जारी हुआ था, लेकिन इस सेशन के अंदर अपने ये बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस की ओर से अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन में संबंध में। इसके साथ साथ देख सकते हैं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड राजस्थान जयपुर की ओर से, और इसके अंदर 7/3/2024 के क्रमांक अनुसार आपके इसके अंदर डिटेल दी गई है, वो आप देख सकते हैं। इसके अनुसार आपके इसके अंदर पूरा कंप्लीट मीटिंग का वगैरह नोटिस जारी करके आपके पूरा कंप्लीटली बता दिया गया है कि इसके अंदर एलिजिबिलिटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नियम 2022 की अनुसूची सेकंड के प्रावधान अनुसार राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के कनिष्ठ पद सीनियर सेकेंडरी लेवल पर भर्ती समान पात्रता परीक्षा सीईटी के माध्यम से की जा रही है, और वो अधिसूचना आरएसी कनिष्ठ पद सीनियर सेकेंडरी लेवल का कोई उल्लेख नहीं है, और संस्थापन बोर्ड की दिनांक 4/3/2024 को आयोजित मीटिंग में आरएसी कनिष्ठ पद की शैक्षणिक योग्यता सेकेंडरी लेवल के स्थान पर सीनियर सेकेंडरी लेवल को करवाए जाने पर निर्णय लिया गया है। आप इसके अंदर स्पेशली नोटिस जारी करके बता दिया है बोर्ड ने अपनी ओर से, पुलिस विभाग ने अपनी ओर से, कि आपकी इसके अंदर बड़ा अपडेट यह है कि आपकी एक तो सीईटी के तहत आपकी भर्ती करवाई जाएगी, और दूसरी इसके अंदर भर्ती जो करवाई जाएगी वो आपका सेकेंडरी लेवल के अनुसार नहीं होगा, वो सीनियर सेकेंडरी लेवल के अनुसार होगा। इससे पहले आपका पता है, इससे पहले आपका 10th बेस आपका एग्जाम हुआ था, और अब इसके अंदर आपका 12th बेस आपका एग्जाम जो होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, उसके बाद 12th बेस के साथ साथ आपके लिए यहाँ पे सीईटी भी लागू हो गया है, ठीक है। सीईटी भी ही इसके अंदर लागू कर दिया गया है, पहले इसके अंदर आरएसी और आरआईए के अंदर सीईटी लागू नहीं था। ये सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के बीच में मैंने प्रस्तुत कर दिया, बता दी आपको कैसी लगी। अब इसके अंदर मैं आपको डिटेलली सिलेबस डिस्कशन पे लेके चलता हूँ। आपको मैं इस भर्ती के रिलेटिव पूरा कंप्लीट सिलेबस बताना चाहूँगा, जिस सिलेबस को आप पढ़ेंगे तो आपका इसके अंदर रिटर्न एग्जाम है जो आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिजिकल वगैरह बचेगा, वो आप जब रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उस टाइम अपने इस सेशन पर बात और कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कांस्टेबल भर्ती 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है आपके लिए। इसके अंदर देख सकते हैं 150 तो प्रश्न आने की संभावना है और 185 अंक रहने की संभावना है। न्यू सिलेबस है आपके लिए, भाग विषय सारी डिटेल पहले दे देता हूं, इसके बाद टॉपिक वाइज सिलेबस भी विश्लेषण में आपके लिए करने वाला हूं, ठीक है। इसके अंदर देख सकते हैं सबसे पहले विवेक एवं तार्किक योग्यता एवं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, इसके अंदर देख सकते हैं रीजनिंग आपके लिए, रीजनिंग और इसके अंदर आपका कंप्यूटर जो आपके आने वाला है, हाँ ये, और इसके अंदर कंप्यूटर जो आपके आने वाला है वो आपका एग्जाम के अंदर आएगा, वो 60% और 60 अंक आएगा, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का हो जाएगा और 30 क्वेश्चन ही आपके इसके अंदर कंप्यूटर का हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा पूरा, आपको इसके अंदर डिटेलली पढ़ना पड़ेगा दोनों सब्जेक्ट। इसके अंदर बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, सामान्य विज्ञान की, सामान्य विज्ञान एवं समसाई की जो आपके करंट जी के मान सकते हैं, इसके अंदर जनरल साइंस हो गई, जीएस हो गया,
और जीएस के साथ सामान्य ज्ञान आपका जनरल अवेयरनेस आ गया, जीए आ गया, जीएस आ गया, इसके अलावा इसके अंदर करंट अफेयर्स आ गया, सीए आ गया, ये सारा इसके अंदर कंप्लीट है। कितने नंबर का? 35% 35 अंक। आपको पढ़ना तो सारा पड़ेगा लेकिन इसके अंदर नंबर थोड़े ही है, तीनों को भाग मान रहा है, तो आपके इसके अंदर पन्नर देख सकते हैं, मान के चलिए आपके 13-13 13.5-13 नंबर आपके इसके अंदर, 12-12 से 13 नंबर आपके इसके अंदर पढ़ना पड़ता है जो आपके इसके अंदर कवर करता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आपका 10 नंबर का जो आपका आता है महिला एवं बाल अपराध, जो रहता है इसके अंदर महिला एवं बाल अपराध आपके लिए इसके अंदर 10 नंबर का आता है, वो भी आपका इसके अंदर पढ़ना पड़ता है। हाँ, महिला एवं बाल अपराध, ठीक है, आपको इसके अंदर ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर आपका 10 नंबर 10 क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको देखना है। इसके अलावा इसके अंदर बात करें आपके लिए, यहाँ पे आपके राजस्थान जीके आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा, जिसके अंदर राजस्थान जीके आपको क्या आएगा इसके अंदर, हाँ राजस्थान जीके की बात करें इसके अंदर, तो आपका एक तो हिस्ट्री आ जाएगा, एक हिस्ट्री आ जाएगा, एक आपके पॉलिटी आ जाएगा, एक आपके कल्चर आ जाएगा, एक आपकी ज्योग्राफी आ जाएगा, चारों सब्जेक्ट इसके अंदर कवर करने पड़ेंगे, इतिहास, संस्कृति, कला संस्कृति, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति इत्यादि, जिसके अंदर आपका राजस्थान जीके का भाग रहेगा वो 45 अंक का रहेगा। अब आप इसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो कंप्यूटर और रीजनिंग आपका 60 अंक का ये कवर कर सकते हैं बेहतरीन, और आपका 45 नंबर ये कर सकते हैं, 10 नंबर ये कर सकते हैं। आप 35 नंबर में थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं तो भी आपका चल जाता है, 35 में से कितना ही कम देंगे तो 10 नंबर तो आप इसके अंदर आराम से कवर कर देंगे बेसिक डिटेल के क्वेश्चनों की हिसाब से, और बाकी आप इसके अंदर ध्यान देंगे तो आप इसके अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है, आराम से आपका सिलेक्शन दायरा नज़दीक चले जाएंगे आप, ठीक है। अब इसके अंदर आगे बढ़ता हूँ मैं आपको और टॉपिक वाइज सिलेबस बताने का काम करता हूँ, और देखिए इसके अंदर बात करते हैं आपके लिए टॉपिक वाइज सिलेबस की, तो कंप्यूटर की इसके अंदर बात करेंगे और विवेचना तार्किक योग्यता की बात करेंगे, कंप्यूटर की बात करेंगे और भाग बी के अंदर सामान्य विज्ञान क्या होगी वो भी बात करने वाले हैं, साथ साथ में सारी बात करेंगे। देखो सबसे पहले इसके अंदर रीजनिंग की बात करता हूँ, क्रम परीक्षण, वेन आरेख, डेटा आरेख, दिशाएं, रक्त संबंधित, अंग्रेजी वर्णमाला, कोडिंग डिकोडिंग, सदृत्या, असंगत संगत और श्रृंखला, मेट्रिक, लुप्त संख्या, बैठक और पेजल टेस्ट, पासा, घन, घनाप, कथन, निष्कर्ष, हाथ मिलाने वाला है, ये सभी संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के परिचय, कंप्यूटर विशेषता, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज हो गए, कंप्यूटर के संगठन, सीपीयू, मेमोरी वगैरह, इनपुट आउटपुट उपकरण और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट और सूचना तकनीकी, ये सारे इसके अंदर कंप्यूटर के टॉपिक है। अब इसके अंदर बात करेंगे भाग बे की आपकी सामान्य विज्ञान की, विज्ञान आपकी लंबी चौड़ी इनके अंदर दे दी है इसके अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपकी इंडिया जीके और विश्व जीके भी इसके अंदर पूछी जाएगी, जीए पूछा है, जनरल अवेयरनेस के अंदर आपकी कार्यक्रम इसके अंदर कवर की जाएगी, देख सकते हैं। इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, आपको साइंस के बारे में बताता हूँ, कार्य ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, ऊर्जा ऊर्जा, लेंस, दर्पण, प्रकाश, ध्वनि, अणु और परमाणु, अमल सार पदार्थ, भौतिक ईंधन, कौशिक, मानव रोग, उसके उपचार, पोषक तत्व पदार्थ, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ टॉपिक और भी है वो आप अपने हिसाब से देख लेना, ये नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध जरूर करवाएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान और राजव्यवस्था की बात करें, ये जनरल अवेयरनेस का भाग है, इसके अंदर आपको इंडिया जीके पढ़ना पड़ेगा, इंडिया पॉलिटी है, इसके अंदर आपको भारत का संविधान हो गया, इसके अंदर भारत का संविधान, अनुसूचियां वगैरह हो गई, संघीय प्रणाली, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, नियंत्रक, महालेखा वगैरह हो गई, इसके अंदर वित्त आयोग, चुनाव आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, ये सब इसके अंदर देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा भारत के इतिहास की बात करें तो इसके अंदर भारत का इतिहास भी लंबा ठाड़ा पूछा गया है, प्राचीन भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध जन और मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, भारत के विदेशी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, विजय साम्राज्य, मुगल वंश, भक्ति सूफी आंदोलन, विश्व इतिहास में संबंधित प्रमुख घटनाएं, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक भारत की बात करें, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में ब्रिटिश सत्ता का स्थापना, 1857 की क्रांति और सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हो गए, राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, कांग्रेस की भूमिका हो गई, महात्मा गांधी हो राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया। इसके अलावा बात करते हैं भूगोल एवं समसायिकी की बात करते हैं, इसके अंदर आपके समसायिकी, करंट अफेयर्स के अंदर क्या पूछा जाएगा, भूगोल के अंदर क्या पूछा जाएगा,
इसके अंदर बात करते हैं आपके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्व भूगोल के सौर मंडल, वायुमंडल, विभिन्न परतें और विश्व के महाद्वीप, महासागर हो गए, अक्षांश, निशंत रेखाएं हो गए, नदियां, किनारे, बसे, विश्व प्रमुख शहर हो गए। इसके अलावा भारत की स्थिति है, भारत विभाजन हो गए, नदियां, जिले, मिट्टियां, राष्ट्रीय उद्यान, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, कृषि प्रमुख उद्योग, जनसंख्या इत्यादि आ गए। समसाय की घटना के अंदर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई, चर्चित व्यक्ति हो गए, स्थान हो गए, खेल कूद संबंधित गतिविधियां हो गई, प्रमुख पुरुष का सम्मान हो गए, अर्थशास्त्र से संबंधित सामान्य जानकारी आ गई। ये सारे इसके अंदर देखना पड़ेगा। इसके अलावा महिला बाल अपराध के काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है, वो आप एक बार खुद से देख लेना, इसके अंदर भी आपको काफी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इसके अंदर राजस्थान की सामान्य जानकारी की बात करते हैं, इसके अंदर आपके राजस्थान के इतिहास के अंदर राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आपकी पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा गुर्जर प्रतिवास चौहान राजवंश, अजमेर चौहान राजवंश और रणथंभौर जालौर के, और गोहिल राजवंश, राठौड़ राजवंश, कच्छा राजवंश, और इसके अंदर 1857 की क्रांति के संग्राम योगदान, और राजस्थान के किसान प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान के एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये सब इसके अंदर देखने को मिलेगा। राजस्थान की कला संस्कृति में बात करें, भाषा बोलियां आ गई, राजस्थान साहित्य आ गए, हस्तशिल्प कला आ गई, किले, महल, छत्रियां आदि आ गई, और चित्रकला, स्थापत्य कला आ गई, लोक देवी देवता आ गए, संत संप्रदाय आ गए, वेशभूषा आभूषण आ गए, लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, रीति रिवाज, पर्वत त्यौहार, और इसके अंदर मेले वगैरह आ गए, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां आ गई, राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति और इसके अंदर दोनों आ गए। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल की बात करते हैं, राजस्थान की राजव्यवस्था बात करते हैं, देख सकते हैं भूगोल के अंदर स्थिति विस्तार आ गया, भौतिक स्वरूप आ गया, जलवायु, नदियां, जिले, मिट्टियां आ गई, और वनस्पति, वन्य जीव अभयारण्य, पशु संपदा, रेरी विकास, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन, सिंचाई परियोजना, उद्योग, 2011 जनगणना और परिवहन, इसके अलावा कृषि और प्रमुख फसलें और समसाय की घटनाएं वगैरह आ गई। इसके अलावा राजस्थान की राजव्यवस्था के अंदर बात करें, आपकी कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री परिषद, विधान परिषद, और इसके अलावा उच्च न्यायालय अधीनस्थ आ गए, स्थानीय स्वशासन आ गए, लोक सेवा आयोग आ गया, मानवाधिकार आयोग आ गया, महिला आयोग आ गया, राजस्व मंडल आ गया, और लोकायुक्त और महाधिवक्ता आ गए। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के अंदर बात करें, राजस्थान के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का भेद परीक्षित आ गए, आर्थिक मुद्दे, आर्थिक वृद्धि और विकास आ गए, राजस्थान के राज्य की प्रमुख योजनाएं आ गई। ये सारी इसके अंदर अर्थव्यवस्था तो आपकी उसके अंदर करंट जी के और भूगोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, बाकी सारा इसके अंदर टॉपिक वाइज सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। कैसा लगा आपको पूरा टॉपिक वाइज डिटेल के साथ, और आपकी जो योग्यता बदली है वो सारी अपने बात कर ली है इस सेशन के अंदर, ए टू जेड पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ। कैसा लगा आपको, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, उम्मीद है शानदार तरीके से आपको समझ में आ चुका है। अपने इस सेशन के अंदर आप क्या सीखें और कैसे तैयारी करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको पूछे जाएंगे, ए टू जेड संपूर्ण सिलेबस मैंने आपको डिस्क्लेम कर दिया है, पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप अच्छा लगा तो शेयर जरूर करेंगे, मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।